दोस्तों, क्या आपने आज तक ये जानने की कोशिश की है कि सांप और नेवले के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी का कारण क्या है? नहीं ना, सांप और नेवले की लड़ाई की कई वीडियो सामने आती है, लोग इन्हें बेहद रोमांच के साथ देखते हैं, लेकिन किसी को इनके बीच की दुश्मनी का मुख्य कारण नहीं पता होता। सांप और नेवले के बीच की लड़ाई में कभी सांप बाजी मार जाता है तो कभी नेवला, हालांकि ज़्यादातर नेवला ही सांप को मार डालता है या फिर घायल कर देता है। दोनों जाने दुश्मन हैं, लेकिन क्यों? दरअसल दोस्तों, सांप नेवले के बच्चे का शिकार कर लेता है। उसे नेवले के बच्चे भोजन के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपने बच्चों को बचाने के लिए नेवला सांप से भिड़ जाता है और इसी वजह से दोनों के बीच दुश्मनी चलती रहती है। लेकिन आमतौर पर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि नेवले पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता, तो कारण भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, नेवले की बॉडी के अंदर खास एसिड लॉक्सिन रिफ्लेक्स होता है, इसी वजह से सांप के जहर के अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिन से नेवला बच जाता है। न्यूरोटॉक्सिन का नेवले की बॉडी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि नेवले के डीएनए में मौजूद अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स जहर को नुकसान पहुंचाने से रोक लेता है। बाकी आपने कभी इन दोनों के बीच फाइट देखी है? प्लीज़ कमेंट करें।